हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेजी प्रिया। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगी, और ये अभी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री चल रहा है मीशो, और उसी से ये सारे प्रोडक्ट हैं। जिस तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू, ये सारे आइटम दिखाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। लास्ट वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जो कि एस्थेटिक मीशो हॉल के नाम से है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो पहला बॉक्स मेरे हाथ में ये आ चुका है, तो चलिए जल्दी से इसको चेक कर लीजिए। मुझे इन सारे बॉक्सेस में क्या मिला है, क्या क्या है, कैसा है, वो तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपके जस्ट सामने ओपन कर रही हूँ, और मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या निकलेगा। और जैसा निकलेगा, वाव, पहला पीस जो निकला है ना, दैट इज ऑसम पीस। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे वीडियो की शुरुआत जो हो वो आप लोगों के साथ एक सबसे अच्छे प्रोडक्ट से हो। तो ये मेरे हाथ में कुछ लगा है और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है मेटल का वास। वाओ, व्हाट अ क्वालिटी, आप देख रहे हैं फिनिशिंग कितना ज्यादा खूबसूरत है। मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसकी क्वालिटी खुद देख लीजिए, इतना ऑसम है। पीछे से इस तरीके से ब्लैक वो दे रखा है स्टॉपर टाइप का, कि आप इसे किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से रखाएगा। एंड क्वालिटी फिनिशिंग तो 10/10 है। दो पीसेस हैं, ये दो का सेट है, एंड प्राइस इसका अल्टीमेट, प्राइस तो और लाजवाब है। बट एक चीज है, ये पीस मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव मिल गया है। ये आई थिंक जो भी है ट्रांजिट वगैरह में, ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा दब गया है। तो 100% मैं इसको रिप्लेसमेंट में डालूंगी, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से ऐसे नहीं हूं। और ये कोई हल्का प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा खासा हैवी मेटल का ये है। जो पेंट यूज किया गया है वो भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, तो ये 100% मैं रिप्लेसमेंट में डालूंगी। बट आप इसको बाय कर सकते, दिस इज 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो ये है पहला प्रोडक्ट, प्राइस मैं आपको इसका बता देती हूँ। ये मुझे पड़ा है 298 रुपीज का है, तो ये 36 का साइड में मैं आपको इमेज भी दिखा दे रही हूँ, और ये मुझे पड़ा है 298 रुपीज का। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं मीशो से तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में क्या लगा है ये भी देख लेते हैं। देखने के बाद प्लीज लाइक कर दिया करिए ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को हिट करना कभी मत भूलिए, से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो का। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके, ओ माय गॉड, ये बबल रैप होके आया है बहुत ही कायदे से, और ऐसा रैप हुआ था कि आप देख सकते हो बहुत सारा गार्बेज निकला है। तो चलिए देखते हैं ये। ओके, ये मुझे मिला है, और ये मैंने बहुत ही मन से ये प्रोडक्ट मंगाया है, और फ्रेंड्स इसको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये जरूर मंगाना चाहिए। दिस लिटिल बुद्धा, मॉन्क बुद्धा, आप देख रहे हैं ये कितना क्यूट है। इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ग्रीन कलर, येलो कलर, और हर कलर में अवेलेबल है। और ये मैंने डिकोर के लिए मंगाया है, यूटिलिटी, होम इम्प्रूवमेंट, होम डिकोर, इस तरीके के आइटम हैं। तो ये है आपका, आप देखो इसकी क्वालिटी, क्वालिटी इज जस्ट 10/10, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। मतलब पहले मीशो में क्या प्रोडक्ट आते थे ना, उनमें क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होता था। कलर इज वेरी गुड, कलर जो मतलब इस पे लगा है ना पेंट, वो भी बहुत अच्छा है। साइज आप देख सकते हैं, अच्छा खासा साइज है, आप देखो, मतलब इतना बड़ा साइज मैं दिखा रही हूँ। और प्राइस मैं आपको इसका बता दे रही हूँ, इसको आप डिकोर कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस पे कर सकते हैं, या आप कहीं आपका शॉप है, बिजनेस कर रहे हैं, आप वहां पे रख सकते हैं। ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आउल दिखाया था, विच वॉज भी बहुत ऑस्पिशियस होता है घर के लिए। तो मैंने इस बार कुछ ऐसी चीजें अपने घर के लिए मंगाई हैं जिसको देखकर अच्छा भी लगे और वाइब्स आए, और साथ में एक अच्छा खासा डेकोरेटिव पीस हो। तो चलिए मैं इसका आपको प्राइस, ये मुझे मिला है 257 रुपीज में। वैसे इसका 290 प्राइस था, और जब मैं इसका पेमेंट कर रही थी, क्योंकि यूपीआई से कुछ और डिस्काउंट भी ले लेता है, तो ये मुझे पड़ा है 257 का, विच इज वर्थ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसा है,
नेक्स्ट प्रोडक्ट, और इसको मैं ओपन करके देखती हूँ, बहुत बुरी तरीके से पैक है। इसमें से क्या है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मैंने क्या मंगाया है। ओके ये कुछ, ओ ओ ओ ओ दिस वन इज, ये मैंने मंगाया है होल्डर। ये आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, और ये अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला। इसके पहले जो हम लोग डिवाइडर वगैरह या ऑर्गेनाइजर लेते थे, उसमें जो फैब्रिक होता था, जो हमें मार्केट में थैला मिलता है ना कपड़े वाला, वो वाला उसमें फैब्रिक यूज होता था, जो पहले मैंने कभी मंगाया था, अपने वीडियो में शेयर भी किया है, वो एक टाइम पीरियड के बाद खराब हो जाते हैं। बट इसमें जो ये फैब्रिक लगा के दिया है ना, ये तांत जैसा है, जो आप मॉस्किटो नेट में देखते हो ना, वो चीज है, जो कि बहुत आसानी से खराब होने वाला नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो फैब्रिक ही नहीं है, मैं इसको मंगाते हुए डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो। और ये आप यहाँ पे अपने अंडरगार्मेंट में पैंटीज, यहाँ पे ब्रा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर पैडेड ब्रा है और आपको रखने के लिए उसको सेफ्टी के साथ जरूरत है, अच्छा खासा इसमें कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 का है, और यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पर भी देखिए साइड में एक कंपार्टमेंट है, और ये बड़ा कंपार्टमेंट है, इस तरीके से दे रखा है। इसके बैक साइड में भी कंपार्टमेंट है, इसमें 3 दे रखे हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये भी 6, मतलब ये टोटल 18 इधर है, 12 प्लस 12, तो ये साथ में यहाँ पे हैंगर भी दे रखा है, आप इसको हैंग कर सकते। तो ये मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाया है, और ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, 100% मैं इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, आप इसको ट्रेवल फ्रेंडली भी है, आप इसमें अपने जो भी अंडर गार्मेंट्स है वो रखकर आप इसे रोल करके प्रॉपर अपने ट्रेवल बैग में रख सकते हैं। तो है ना ये 2-in-1 वर्क, और साथ में क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके लिए तो मैं इसको 10/10 दे रही हूं। मैं आपको बता रही हूँ, वर्थ बाइंग है। इससे डेफिनेटली इफ यू आर अ लेडी व्यूअर, तो आप इसको जरूर अपने पास रखिए, और आप ट्रेवल करते हैं तो 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ये मेरे हाथ में लगा है, इसको ओपन कर लेते हैं, नहीं होती है। ओके, एक और मुझे डिकोर पीस मिला है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। बट इसका साइज थोड़ा सा मुझे अनएक्सपेक्टेड है, साइज मैंने इतना छोटा नहीं सोच रखा था। ये है प्यारा सा वॉल हैंगिंग फॉर किचन, जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये किचन डिकोर। तो अभी मैं अपने किचन को इतना डिकोर, माय किचन माय रूल, इस तरीके से ये है, और इस पे स्पैचुला और स्पून है, साथ में इसको हैंग करने के लिए एक सेटन का इसमें स्ट्रिंग लगा रखा है। नेक्स्ट वाला है द किचन इज द हार्ट ऑफ होम, दिस इज रियली अ गुड लाइन फॉर एवरी होम, कि कोई भी घर हो अगर उसमें किचन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो ये जो कोट लिखा है, दिस इज रियली वैल्यूएबल, और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये वुड पर बना हुआ है, आप देखो ये कोई हार्डबोर्ड नहीं है, ये वुड पर है, तो अच्छा खासा फाइन फिनिशिंग के साथ है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस पे वैरायटी है, अकॉर्डिंग टू माय नीड मैंने इसको परचेज किया। मैं और भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ में मैं आपको इसका प्राइस, गाइस इसका प्राइस तो बहुत ही शॉकिंग है, दिस इज फॉर ₹89। तो गाइस वेट बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो इसको विशलिस्ट करके आप इसको जल्दी से मंगा लीजिए, फॉर रुपीज ओनली 89। तो 89 रुपीज में तो आप अपना घर डेकोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में एक छोटू सा पैकेट लगा है, बट जहां तक मुझे उम्मीद है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप एक हाउस मेकर हैं और कोई भी है, मतलब लेडीज जेंट्स जो भी किचन में खाना बनाते हैं वो है, मुझे पता था कि इसके अंदर क्या ही निकलेगा। ये फ्रेंड्स है तो बहुत टाइनी सी चीज, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या लग रहा है देखने में, आप बताओ, दिस इज अ शेप ऑफ गार्लिक, ये है एक गार्लिक पिलर, आपको इसके अंदर गार्लिक को इंसर्ट कर देना है और इसको ऐसे करके अच्छे से रब कर देना है, और आपका गार्लिक जो है बढ़िया से छिलके बाहर आ जाएगा। ये मैंने लिया है ट्रायल करने के लिए, देखती हूँ ये कैसा होता है। सिलिकन का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें छोटू सा यहाँ पे दे रखा है, हैंग कर स्ट्रिंग डाल के
इसको हैंग भी कर सकते हो कहीं भी, ऐसा छोटा सा है, गुम होने के चांसेस ज्यादा हैं। और प्राइस इसका बड़ा ही अच्छा सा था, क्योंकि सिलिकन का है तो सिलिकन की चीजें थोड़ी महंगी। प्राइस इसका है 202, 202 रुपए का ये छोटा सा मुझे गार्लिक पिलर मिला है। बट इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है, क्योंकि गार्लिक छिलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, तो मैंने तो इसको एक ट्राई देने के लिए तो मंगा। अगर आपको मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग चलना है तो अभी तक मैंने इसको यूज तो नहीं किया है, बट दिखने में सही लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से लगा है, इसको ओपन कहाँ से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मुझे जो मिला है वो मुझे अभी से दिख रहा है कि मुझे इसमें क्या मिल गया है, तो आप गेस करो ये क्या है। ये है एक रोटेटेबल ऑर्गेनाइजर। अगेन इट्स एन ऑर्गेनाइजर लाइक दिस। आप ये देखिए, ये शायद मुझे 100 रुपीज में मिला है, और ये आप किचन या फिर आपका कोई सैलून है या कहीं भी आप इसको ऐसे रख सकते हो। ये फाइबर का है, व्हाइट कलर का है, आप ये देख लो। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस में है उस प्राइस में तो इसकी क्वालिटी इतनी ही है। पीछे से इस तरीके से रोटेटेबल है, ये आप देखिए, यही चीज रोटेट होती है यहाँ पे, ये स्क्रू पे बेस्ड है। इसमें आप कोई सामान रख देते हैं और उसको आप इस तरीके से घुमा के यूज करते हैं, तो इसकी क्वालिटी मुझे ये जिस प्राइस में है उसके अकॉर्डिंग तो वर्थ। आपको प्राइस भी बता दे रही हूँ कि ये मुझे कितने। तो फ्रेंड्स, ये है स्काई 360 डिग्री रोटेटिंग किचन एसेसरीज ऑर्गेनाइजर ट्रे, लेजी सुसैन इसे बोलते हैं, और ये मुझे मिला है 140 रुपीज का। तो ये लेडी सुजैन जो है मुझे 140 रुपीज का मिला है। इसके पहले मेरे पास वुडन का है, उसका लिंक मैं आई सेक्शन में दे दूंगी, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वुड का भी मेरे पास लेडी सुजैन है और वो बहुत औसम है, बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अगर आपको रीजनेबल रेट पे चाहिए तो ये वाला 140 रुपीज में, दैट इज रियली वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स, अभी होम डिकोर और ये कहीं ऐसे साइड से फटा हुआ ही है, होम डिकोर और किचन आइटम ये इसमें निकल रहा है। और ये भी कुछ मैंने मंगाया, कुछ ऑर्गेनाइजर टाइप का ही लग रहा है। Let's see what inside. Congratulations, you can win up to ₹50 rating, no photos on your order and get cashback up to ₹500 in your Paytm account and after giving rating, WhatsApp the screenshot on. Okay, इस तरीके का मैं फेक रिव्यू नहीं देने वाली हूँ। अगर जेन्युइन होगा डेफिनेटली मैं आपको रिव्यू दूंगी और मुझे 500 मिल जाए तो मैं उसका नेक्स्ट शॉपिंग कर लूंगी। तो ये है कुछ फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे पैकेजिंग में आया है। ओके, ये बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में था, ले बहुत दिनों से चाहिए था, बहुत दिनों मींस बहुत महीनों से मैंने इसको विश लिस्ट कर रखा था। पर अकॉर्डिंग टू थिंग ना, हम प्राइस पे करते हैं, ये चीज आप मानते हो ना। आप मार्केट में जाते हो, बार्गेन करते हो, वहां पर तो ऑप्शन है कि आप बात कर ले रहे हो और बार्गेन कर ले रहे हो, बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं है। तो जैसा मैं ऑफलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट के प्राइस का आइडिया होता है कि किसके लिए कितना वर्थ होगा देना। तो सच बताऊं, ये मुझे जितने प्राइस में कहीं मिलता था ना, मैं इसको कभी नहीं परचेज करती थी, विश लिस्ट में था हर एक। व्हेन आई गॉट इट ऑन मीशो और जो प्राइस कोट मैं करती उसके अकॉर्डिंग प्राइस था, तो मैंने इसको इस बार परचेज कर लिया। और आपको भी यही मेरा टिप है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कुछ भी मिल रहा है उसका प्राइस इतना हाई सस्ते होते हैं, और उसको इतना हाई करके ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल किया जाता है। तो आज का टिप यही है कि आपके अकॉर्डिंग अगर वो वर्थ उसका प्राइस लग रहा है तो ही आप परचेज करो। और ज्यादातर आप मेरे वीडियोस को देखकर जेन्युइन रिव्यू लेकर और रीजनेबल रेट पर परचेज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजर आप इसमें पॉली बैग्स आते हैं ना जो हमारे घर में, जिन्हें हम इधर उधर कहीं भी फेंके रखते हैं, उसको आप इसके अंदर स्टैक कर सकते हो और यहां से उसको निकाल सकते हो। आप नीचे से भी निकालने का ऑप्शन है, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसी चीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज है। फिलहाल ये इसी तरीके से यूज करने के लिए है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है। आप ये देख लो, ये जो तांत जैसा इसका फैब्रिक है, मतलब बहुत अच्छा। ये प्लास्टिक का ही है, कपड़े का नहीं है, मतलब जो पॉलीथीन टाइप का होता है ना उस तरीके का है ये, और व्हाइट कलर में है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसको मंगाने में सच बताऊं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा क्वालिटी, कहीं ऐसा वो वही झोले वाला कपड़ा ना दे दे जो कागज वाला पॉलिथीन लेके घूमते हैं लिटरली, मैं वो जो कपड़े वाले होते हैं ना, हम कहीं से कपड़ा खरीद लेते हैं तो वो थैला देते हैं उसका ना हो, तो अगर ये वैसा होता तो डेफिनेटली मैं रिटर्न कर देती इसको। बट ये बहुत 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 अच्छा है। साथ में प्राइस बता देती हूँ,
प्राइस बताने के साथ पता चलेगा कि कितना वर्थ बाइक मैंने ली है। तो ये है फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव होल्डर फॉर किचन पर्पस यूज पैक ऑफ वन मटेरियल, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए, और मैं ऑफलाइन मार्केट में इससे ज्यादा देती भी नहीं। तो 90 रुपए में दिस इज स्टील बाय। एंड अभी तक आपको प्रोडक्ट ऑफ द डे कौन सा लगा है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स बहुत बड़ा सा डब्बा है मेरे हाथ में, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या निकला है। मे बी ये भी कोई ऑर्गेनाइजर हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की जरूरत हम सबको बहुत पड़ती है। सो फ्रेंड्स ओके ये भी एक ऑर्गेनाइजर मुझे मिला है, और ये बहुत अच्छे से पैक होकर नहीं आया है, इसका मुझे थोड़ा सा वो रहेगा। ये इस तरीके से पैक करके दे दिया गया है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप देखो, ये बहुत ही यूनिक पीस है, मतलब मुझे लगता है ये वायर होल्डर है। अभी मैं इसका पूरा नाम बताऊंगी, आप इसमें वायर भी रख सकते हैं, जो वायर टैंगल होते हैं या चार्जर या जो कुछ भी है ना, छोटी छोटी सी चीजें आप इसमें अपना एयरडॉप भी रख सकते हो, छोटी छोटी सी चीजें स्टैक करके रख सकते हो। मैं इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ अपने वार्डरोब में, मैं इसमें अपनी लिपस्टिक रखती हूँ, मेकअप वाले में मैं अपने अंडरगार्मेंट्स इसमें स्टैक करके रखती हूँ, तो बहुत मुझे यूजफुल लगा। और ये अगला मैंने मंगाया अपने बच्चे के लिए, उसके वार्डरोब के लिए मंगाया है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, इस तरीके से इसमें डिवाइडर दे रखा है। फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं, ये छोटे छोटे से इसमें डिवाइडर दे रखे हैं, साथ में इस तरीके का इसमें हुक होता है जिसको आपको पीछे से पील आउट करना होता है ये चीज, और जिस जगह पे आपको लगाना है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वहां लगा लीजिए, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया। एक और वीडियो पड़ा हुआ है हाउ आप इसको अपने साइड टेबल के साइड में लगा सकते हो, आप इसको अपने स्टडी टेबल के साइड में लगा सकते हो, इसमें अपनी छोटी छोटी सी स्टेशनरी के आइटम स्टोर करके रख सकते हो। अगर अलोन वाले हैं तो आप इसमें भी छोटे छोटे से अपने पेंस क्लिप्स सारी चीजें रख सकते हो। तो ये मुझे बहुत यूजफुल लगा। और साथ में इसके क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसमें कितने कंपार्टमेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपार्टमेंट होता है। यहाँ छोटा सा एक छोटा सा हैंडल होता है जो यहाँ पे स्टक कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिप कर देना है, और ये ऐसे ही, और ऐसा नहीं है कि इस तरफ है, ये पलट भी जाता है। सपोज आपका वॉल इस तरफ है, आपको इधर लगाना और आपको निकालना इस तरफ है, तो ये पलट भी जाता है बहुत आसानी से। तो इस तरीके से ये ड्रैग होके ओपन होता है ये कुछ इस तरीके से, और ये दो के सेट में है, ये दो के सेट में मुझे मिला है, दोनों ही व्हाइट कलर का मैंने लिया है। इसमें कलर ऑप्शन भी है, अगर होगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। फाइबर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें स्टोर करने का जगह है। आपको लग रहा है कि ये हल्का फुल्का, नो अच्छा खासा इसमें स्टोरेज हो जाता है। बहुत दिनों से मैंने इसको विशलिस्ट करके रखा था अपने मीशो के अकाउंट में, और सडन मैंने ओपन करा तो ये अवेलेबल था, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये है ऑर्गेनाइजर, भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आप इसमें अपने चार्जर वायर माइक एंड एवरीथिंग आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही यूजफुल है। प्राइस में आपको इसका प्राइस है 696 रुपीज। तो ये मैंने, और ये आपको मुझे लगता है अगर जरूरत है तो इसको जरूर लेना चाहिए प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है। मैंने पिछले वीडियो में डाला, वो भी मैं आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा लास्ट में वीडियो के, या फिर आपको आई सेक्शन में मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं कि क्या आया है, क्योंकि तो ये फ्रेंड्स मुझे क्या मिला है। ओके ये मैंने पहली बार मीशो से एक टॉय मंगाया है जो मुझे इस तरीके से रिसीव हुआ है, बबल रैप। मैंने मंगाया है एक पूल टॉय फॉर योर किड्स, ये आप देखो। सो फ्रेंड्स ये एक ही सेलर से था, ये सिंगल सिंगल मिल रहा है, एंड इसका प्राइस भी रीजनेबल ही मुझे लगा, क्योंकि ये इस तरीके से चलने वाली चीज होती है। मैंने इसको एक जगह देख रखा था और ये सडन मुझे मीशो पे मिला, और इसके अलावा ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये कुछ इस तरीके से, जहां पे आपको चाबी भरना होता है, प्लास्टिक क्वालिटी इज रियली वेरी फाइन, में चलने वाला पूल टॉय है ये, आप देखो ये कुछ इस तरीके से, जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये बहुत क्यूट है। आप इसका कलर देख लो, छोटा सा टॉय है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके टब में इसको डाल सकते हो। अप टू 5 ईयर दे विल लव दिस, इवन तो मुझे लगता है 6 साल के बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये मैंने दो का सेट लिया है, एक मैंने ये लिया है और एक मैंने ये, आई थिंक मैंने कुछ और मंगाया था, बट ये फ्रॉग आ गया है,
बट ये भी बहुत क्यूट है तो मैं इसको नहीं रिटर्न करने वाली हूँ। और ये देखो आप फ्रॉग है, इसमें भी इस तरीके से आपको यहाँ चाबी ऐसे घुमा के भरना होता है। और ये हो सका तो मैं साइड में वीडियो डाल दूंगी। और ये पानी में बिल्कुल ऐसे करके ना फ्लोट करेगा। तो ये दो टॉय मैंने मंगाए हैं एंड ये वीडियो अब होता है खत्म। आपके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द डे क्या है? मेरे लिए प्रोडक्ट ऑफ द डे ये है और ये है और ये है। मुझे लगता है इस बार के वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ द डे बहुत सारे हैं। आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।